हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे सामने लगी है 2023 TVS Jupiter ZX Smart X Connect। अब ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आ गई, वो क्या है सारी चीज़ वीडियो में बात करेंगे। तो ZX में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक डिस्क के साथ आती है और एक ड्रम के साथ आती है, जो कि हमारे सामने वहाँ पर लग रही है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट है वहाँ पर देख पा रहे हो। इसके ऑन रोड कीमत की बात करें तो अगर आप डिस्क के साथ जाओगे तो आपको ऑन रोड कीमत पे करनी पड़ेगी 1,05,000 रुपये। अगर आप डिस्क के साथ जाओगे, अगर आप ड्रम के साथ जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,02,000 रुपये। अगर डिस्क में जाओगे तो आपके पास दो कलर ऑप्शन है, एक मैट ब्लैक और एक मैट ब्राउन। वही अगर आप ड्रम में जाओगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट में तो आपको एक वहाँ पे कलर ऑप्शन रखा गया, एक ये है और एक वहाँ पे ब्लू टाइप का रखे गए। ये दो कलर ऑप्शन है दोनों में, डिस्क में भी दो हैं और ड्रम में भी आपको दो रखे गए हैं। तो कुछ भी आगे शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सारदा TVS जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की। अब आइए सारी चीज़ें बात करते हैं। शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बट कुछ भी आगे शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अब शुरुआत हम फ्रंट से करते हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेंज देखोगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट, यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग डाल रखा है, TVS की यहाँ पे ब्रांडिंग है। माफ करना, गाड़ी थोड़ी गंदी है, बारिश हो रखी थी तो इसके वजह से। यहाँ पे TVS इंटेलिगो का आपको लोगो देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है, जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो तो जो साइलेंट स्टार्ट होता है वही यहाँ पे इन्होंने TVS इंटेलिगो रख रखा है। और जो लाइट्स हैं वो पहले जैसे आती थी LED सेटअप में, वैसे अभी भी है। थ्रो इनकी अच्छी है, रात में कोई शिकायत नहीं होती। यहाँ पे आपको LED के यहाँ पे देखने को आ रहा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनकॉम्पैटिबल का आपको ग्रिल देखने को मिलता है छोटा सा। और एक चीज़ अभी इन्होंने अच्छी कर दी है कि यहाँ पे ये रबर की बिटिंग दे दी है यहाँ पे, तो जिससे क्या होता है कि रस्ट वगैरह का लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और थोड़ा इम्पैक्ट आगे से पड़ता है ना, तो ये अब ये झेल लेंगे तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। रिफ्लेक्टर आते हैं फ्रंट शॉक एब्जॉर्वर में एज अ सेफ्टी। और टायर साइज़ की बात करें तो 90x12 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। इस साइड आपको डिस्क देखने को मिलती है, बट ABS इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ डिस्क आती है। और साइड प्रोफाइल से बात करें Jupiter ZX की, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्टिकर दे रखा, अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, देखने में बढ़िया लगता है। और पहले क्या था कि Jupiter में यहाँ पे CVT लिखा आता था, बट अब ये लोगों यहाँ से हट चुका है, ये प्लेन आती है, देखने में अभी ठीक लगता है। क्रोम में है, ये मेटल पार्ट है, ये भी मेटल पार्ट है, ये फाइबर हो गया आपका, ये मेटल पार्ट हो गया आपके। और डिस्क में अगर आप जाओगे तो आपको बस एक ही चीज़ अच्छी लगेगी कि आपको यहाँ पे बैक रेस्ट देखने को मिलेगा, और नॉर्मल ड्रम में आपको बैक रेस्ट देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा। वही सीट की कुशनिंग की बात करें तो Jupiter की कुशनिंग हमेशा से अच्छी रही। मैं खुद एक Jupiter यूज़र हूँ, अभी भी यूज़ करता हूँ, गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज की बात कर ले तो मुझे तो 40 सिटी में रिटर्न करके देती है, हाईवे पे तो मैं 50 आराम से लेके गया हूँ उसको, मतलब 50 की एवरेज मैं उससे निकाल चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा पैटर्न है, यहाँ पे स्टिचिंग की गई है, थोड़ा ब्राउन है, थोड़ा सा बेज टाइप का इन्होंने कलर दे रखा, अच्छा लगता है देखने में। और आपके Jupiter में आप जाओगे ना तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा, वो है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन। जैसे कि अभी एक अगर मैंने इसे ऑन कर दिया, गाड़ी चालू की मैंने, अगर थोड़ी देर तक मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो गाड़ी खुद ही बंद हो जाएगी, आप देखना। तो ये प्रॉब्ली 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद खुद ही ये बंद हो जाती है अगर कुछ रेस वगैरह मैंने नहीं दिया। ये बेसिकली हमारा ये फ्यूल सेविंग फीचर है, जैसे ट्रैफिक में हम खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक स्टार्ट करके तो गाड़ी खुद ही कट ऑफ हो जाती है, तो भी आप देखना थोड़े टाइम के बाद ये खुद ही बंद हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें हाई बीम है, यहाँ पे लो बीम है, यहाँ पे इंडिकेटर हो गए, बट अब बीप की साउंड इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दी है ऑन, तो जैसा लाउड था पहले वैसे ही है। मिरर वगैरह की डिज़ाइन वैसे ही, ज़्यादा कुछ चेंज इन्होंने नहीं कर रखा है। यहाँ पे TVS का आपको लोगो देखने को मिलता है। और पीछे से बात करेंगे तो लाइट में इन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा, आप देख सकते हो क्रिस्टल इफेक्ट यहाँ पर दिया है इन्होंने, हालांकि चीज़ वही है, पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा इन्होंने दूसरे ढंग से दे रखा है। यहाँ पे इंडिकेटर है, एक्सटर्नल फ्यूल लीड है, 6 लीटर की टंकी है। पीछे टायर साइज की बात करें तो वही 12 इंच के आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं, 90x12 इंच की। ग्रिप की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको ग्रिप देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह का नंबर प्लेट भी आपको लाइट्स है यहाँ पे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पे आप 1 लीटर का बॉटल वगैरह रख सकते हो या फिर फ़ोन वगैरह चार्ज करके यहाँ पे रख सकते हो। बट बिग थिंग स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वो क्या फीचर हमें ऑफर कर रहा है वो यहाँ पे है। वो सारी देखो, गाड़ी अपने आप बंद होगी, जैसे 30 सेकंड 1 मिनट हुए गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। अगर आपको फिर से चालू कर दें तो बस आपको गाड़ी फिर से चालू हो गई। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो जैसा ऑन करूँगा तो ये सारा कुछ आ जाएगा, जैसे सर्विस लाइट है, यहाँ पर बैटरी की लाइट आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सारे इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, कॉल आ रही, मैसेज आ रही हेलो राइडर करके, टाइम हो गया, यहाँ पे किलोमीटर हो गया,
और यहाँ पे कितनी गाड़ी चली आपकी, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर शो होगा, हेलमेट का साइन आ रही है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स काफ़ी आ रहे हैं, यहाँ पे मोड्स वगैरह हैं, फ्यूल एम्प्टी अभी दिखा रहा है। तो ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे ये मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेट वगैरह आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये फीचर क्या है कि जैसा आप अगर इसके टी वी एस की ऐप आती हो, अगर आप उससे कनेक्ट करोगे इस चीज़ को, तो फिर आपकी सारी चीज़ें मतलब हो जाएंगी, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ़ोन आप जेब में रख लो, बस यहाँ से वॉइस कमांड से, अगर आप नेक बैंड यूज़ करते हो तो वॉइस कमांड से अगर इसे प्रेस करना, और कहीं भी सपोज़ कि मुझे जाना है यहाँ से नियरेस्ट पेट्रोल पंप, आप सर्च करने से प्रेस करके आपको करके दिखाएगी 30 मीटर राइट पे, 30 मीटर लेफ्ट पे, अभी 40 मीटर आगे जाना है आपको, ये नेविगेट करके बताएगी। किसी का भी मैसेज आएगा तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, तो आप इजीली आप पता कर सकते हो कि मतलब आपको अगर कॉल अर्जेंट है, जिस किसी का भी फ़ोन आ रहा है तो लगे कि हाँ अर्जेंट है तो आप उठा सकते हो। कई बार क्या होता है राइड के दौरान परेशानी होती है, किसका फ़ोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें शो होंगी। तो ये कि ये सेफ्टी फीचर अच्छा है। इंजन की बात करें तो अभी भी वही इंजन है, 109 सीसी का इंजन है, जो कि आपको निकलता है 7.8 bhp और 8.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है 4 स्ट्रोक के साथ, और एडजस्टेबल आपको यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हुक वगैरह है, जिसकी 3 kg मैक्सिमम लोड है, यहाँ पे भी आप थोड़े बहुत सामान रख सकते हो। कुछ इस तरह की आपको चाबी देखने को मिलती है, चाबी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, और अब पहले क्या था कि आपको चाबी इधर से लगानी पड़ती थी फ्यूल लीड खोलने के लिए, सीट खोलने के लिए, बट अब सारा सिस्टम यहीं से हो जाएगा। और सीट की स्टोरेज की बात करें तो जैसा पहले आती थी वैसा अभी भी है, एक फुल साइज हेलमेट, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके आ जाएंगे, यहाँ पे आपके चेसिस नंबर लिखी गई है, कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं है, और यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक रखा गया है। सो आपको TVS Jupiter ZX कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का चैनल को करें सब्सक्राइब, जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, कार ड्राइवर के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।